सही हदीस है हज़रत ऊस्मान इबन मजरून रजी अल्लाह तनों की वो फरमाते हम सफ़र में होते थे बीवी से दूरी हम पे बहुत शाख गुजरती थी जाहिर ज़िला में पढ़ने का ख़तरा था तो हमने नबी से इजाज़त ली कि हम अपने आप को खसी कर दें अपनी जो ख्वाहिश है वो क्या कर दें ख़त्म कोई ऐसी दवा खाएँ कुछ भी कर लें आज ऑपरेशन भी होता है तो लव अजाज अना लख तसैना हदीस के है। इतनी टेंशन में थे हम नबी हमें इजाजत देते तो हम अपने आप को ख़सी कर लेते लेकिन नबी ने इसकी परमिशन नहीं दी अब देखो साहबी रसूल इतनी शदीद टेंशन में भी इसका हल ये नहीं तलाश कर रहे कि हाथ से अपने आप को मुतमिन कर ले इतनी शदीद टेंशन में भी अगर इसकी इस्लाम में जर्रा बराबर भी गुंजाइश होती तो जरा सा तो इशारा मिलता ना सहाबा कर लेते या उनको इशारा दे दिया जाता कि भाई अपने आप को खसी करने की पर आ गए हो अपनी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर रहे हो तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी तस्किन कर लो इस तरीके से इसकी परमिशन का कहीं तस्करा नहीं मिलता इसका मतलब है कि इस नबी ने वहां क्या फरमाया सहाबी को नहाना अन तबतुल नबी ने फरमाया निकाह से दूर भागने से मना किया तो फरमाया ना 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 ना, ना। तज्वजुल वदूद ये अल्लाह ने ख्वाहिश इसलिए रखी है कि तुम निकाह की तरफ क्या हो जाओ मजबूर हो जाओ असल में लोग जो ये कहते हैं ना कि यार हम मजबूर हैं तो क्या करें हम ये तो ख्वाहिश इतनी जब मुसलत हो जाती है हमारे ऊपर ये तो इससे जिसम को भी नुकसान होता है मैंटली भी आदमी डिस्टर्ब होता है तो याद रखो ये अल्लाह ने आप पर आप इतनी ज़बरदस्त ख्वाहिश इसलिए मुसलत की है ताकि आप ना चाहते हुए भी शादी पर मजबूर हो जाए और शादी में फितरत आपके दलाइल मानने के लिए तैयार नहीं है ये जो आते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो एक्चुअली अभी एजुकेशन एक्चुअली अभी ये फितरत इस चीज़ से मुतासर नहीं है फजरत कहती है आपके दलाइल क्या हैं गलत हैं अगर ये अल्लाह मुसलत ना करते ना मर्दों पर यह शहवत तो मेरा ख्याल है कोई सत्तर सत्तर साल में जाके भी लोग शादी ना करते तो कुदरत का एक निज़ाम है कुदरत एक सिस्टम के तहत लोगों को चलाना चाहती है इसका फायदा यह होगा कि आप ना चाहते हुए कम खानदान की लड़कियों से शादी पर मजबूर हो गए उनको घर मिलेगा अगर मुझ जनी की इजाज़त दे दी जाए मुझे थोड़ी लैंग्वेज साफ इस्तेमाल करनी पड़ रही है बहुत माजरत मजबूरी है अगर इसकी इजाजत दे दी जाए तो लोग निकाह में क्या करेंगे तखिर नुकसान किसका होगा लड़कियों का वो लड़कियां भी फिर हेंड प्रैक्टिस करेंगी जो कि कर रही हैं वो भी मजबूर होंगी तो इस्लाम ने आप पर अल्लाह ने आपके ऊपर ये शहवत इसीलिए मुसलत की है कि यह आपका यह ऑप्शनल नहीं रहे निका बल्कि आपकी बॉडी की, की रिक्वायरमेंट बन जाए कि भाई ये तो करना ही करना है और उसका फायदा किसको होगा औरत को बात आ रही है समझ में उसका घर बसेगा तो अगर इसकी इजाजत दे दी जाए भाई एजुकेशन का है अभी तो तालीम है अभी तो एक्चुअली एक्चुअली तो नतीजा लड़कियों का क्या होगा बेड़ा गर्क होगा जो कि हो रहा है आप कह सकते हैं वो भी तालीम हासिल करें हम भी हासिल करें तो बात ये कितनी तालीम हासिल कर लेंगी और अगर कर भी लेंगी तो फितरत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता नेचर का मुतबाद नहीं है जो चीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको बहरहाल पूरा करना है देखो अगर आपके पास एजुकेशन की वजह से, <coughs> से खाने का टाइम नहीं है आप मसरूफ हैं जिसकी वजह से खाने का टाइम नहीं है तो क्या पेट आपको भूख लगाना छोड़ देगा है भाई या कोई डॉक्टर ये फतवा दे देगा कि चूंकि आपके पास खाने का टाइम नहीं है लिहाजा आप अगर नहीं भी खाएंगे तो सेहत को नुकसान नहीं होगा कोई भी समझदार डॉक्टर होगा वो कहेगा भाई आपके पास टाइम हो या ना हो आपके बाप को भी खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा आपको वरना बॉडी का नुकसान होगा तो याद रखो जिस तरह रोटी जरूरी है मर्द के लिए इसी तरह औरत और औरत के लिए इसी तरह मर्द जरूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो इस्लाम चूंकि नेचर के खिलाफ नहीं चलाता आपको इसलिए इस्लाम ने तमाम रास्ते बंद कर दिए ख्वाहिश पूरी करने के क्योंकि वो सारे नेचुर इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है सिर्फ एक ही नेचुरल है कि मर्द का कांटेक्ट औरत से और औरत का मर्द से इसके अलावा कोई नेचुरल नहीं है। और आखिरी बात ये कि ये जो अमल है हैंड प्रैक्टिस का ये जिना से इंसान को बचाता भी नहीं है ये भी सौ फीसद गलत है कि इसके करने से आदमी जिना से बच जाता है क्योंकि इसमें आदमी की डिजायर पूरी तरह पूरी नहीं होती उसकी ठरक बढ़ती है कम नहीं होती अगर कोई जिना कर ये काम कर भी लेना फिर भी जिना की तरफ लपके बल्कि और ज्यादा लपकेगा क्योंकि ये ये ख्वाहिशें नफ्स ऐसी चीज़ है कि ये पूरी करने से बढ़ती है आपके जो दिल की ख्वाहिश है ना नफ्स की ख्वाहिश ये पूरा करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है जो अपने आप को रोकते हैं तो उनमें तो कंट्रोल में रहती है जो नहीं रोकते उनके कंट्रोल से बाहर होती है ये तो ये हल भी नहीं है यानी मेडिकली भी ये हल नहीं है जिना से बचने का कि ये काम करो जो जितने बड़े बड़े जानी हैं पहले उन्होंने ये काम किया है उसके बाद जाके जिना की तरफ गए हैं और जिन्होंने अपने आप को इस अमल से बचा लिया वो जिना से भी बचे रहते हैं तो जिना से बचने का जो कुरान में और अहादीस में हमें तरीका मिलता है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनको औरत ने दावत दी जिना की वो भागे हैं बस निकलने की कोशिश की उन्होंने वहां से तो असल हल इसका यह है और आखिरी बात यह कि ये मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवानों के हालात सामने आए हैं जो इस लत अच्छा ये भी एक फॉल्ट है इसमें कि ये अमल एक दफा होता नहीं है आप जो नौजवानों के की हिस्ट्री जमा करें ना तो ऐसा नहीं होता कि जिसने एक दफा किया तो बस जिंदगी में एक ही दफा किया कि यार बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था तो यह अमल कर लिया ना 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 जिसने एक दफा किया वो दिन में दस दस, दस दफा भी करता है फिर यह अमल उसको ऐसी हिस्स उसकी बढ़ जाती है और ठरक बढ़ जाती है कि फिर ये मामला उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए वो सौ बार तोबा करेगा सौ बार तोबा तोड़ेगा वो तो ये प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है कि कोई अपने आप को बचाने के लिए एक दफा ये अमल कर लिया तो अब सुकून में आ गया ना 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 मेरे पास जो नौजवान आते हैं उनकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं वो क्या कुछ एक साहब की दो बीवी अच्छा हां ये भी बता दूं जब ये लत ज्यादा पड़ती है तो फिर ये बीमारी शादी के बाद भी नहीं छूटती ये भी जहन में रखें एक साहब मैंने जो जिंदगी में सबसे पहला फतवा लिखा है ना वो क्या था आप हैरान होंगे ये उन्नीस सौ में सवाल आया एक आदमी की दो बीवियां उसे निकाह से पहले इसकी आदत पड़ गई यही सोच सोच के कि यार अभी अपने आप को ठंडा कर लेता हूँ तस्कीन कर लेता हूँ बुराई से बच जाऊँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस शैतान ने उल्टे सीधे उसको जो है ना दलाइल दिए और कहता है मुझे ये बुराई जब हो गया तो चस्का लग गया फिर कह रहे है फिर जब मैंने निकाह किया है ना एक शादी की है तो मेरी ये आदत नहीं छूटी दूसरी दो बीवियाँ उसकी कह रहे फिर भी नहीं छूटी तो कह रहे मैं इतना गुस्से में आ जाता था कि यार मेरी बीवियां भी है फिर भी मुझे उनको तस्किन इसमें होती है फिर बिल्कुल ऐसे है जैसे लूत लूतम की कौम को जब लड़कों की आदत पड़ गई तो अब उनको औरत से तस्किन बोलते क्यों नहीं नहीं हो रही तो ये हैंड प्रैक्टिस का एक ये भी बड़ा नुकसान है कि जब इसकी लत पड़ जाती है तो शादी के बाद भी ये आदत नहीं छूटती तो वो कह रहा है मेरी दो बीवियां थी नाइनटीन नाइनटी नाइन की बात कर रहा हूं मैं उसने सवाल भेजा तो कह रहे हैं कि मैं इतना मजबूर हो गया कि एक दिन मैंने कसम उठाई कि आइंदा मैंने अपने हाथ से अपने आप को फारिग किया तो मेरी दोनों बीवियों को तीन तीन तलाकें कह रहे मैंने यह सोचा कि शायद इस अमल से मैं अपने आप को रोक लूंगा फिर भी नहीं रुका और फिर भी यह अमल किया और हमने उसको फतवा दिया कि आपकी दोनों बीवियां आप पर हमेशा के लिए हराम हो गई हैं तो अब आप बताओ उस पर क्या गुजर रही होगी तो हमने लोगों के ये हालात देखे हैं तो इसलिए इस किस्म के क्लिप से मुतासर होकर कोई भी शख्स ऐसी हमाकत करने की कोशिश बोलो भाई ना करें और मेरा मकसद आपको किसी को मायूस करना नहीं है अगर कोई नौजवान इस बीमारी में मुबतला हो गया है तो हदीस में आता है मा अनजल अनजल माँ शिफान हर बीमारी का अल्लाह ने शिफा पैदा की है तो मायूस ना हो वो सबसे पहले तो वो निकाह करे ताकि मामला आगे बढ़े नहीं क्योंकि अगर नहीं करेगा ना ये फिर यहां तक रुकेगा नहीं मामला क्योंकि ये लड़के फिर जब ये काम करते हैं फिर वो इंटरनेट पर फोहश फिल्में भी देखते हैं फिर वो तस्वीरों की तरफ भी जाएगा बद नजरी की तरफ भी और फिर ये बढ़ता रहा फिर वो जिना का मुतलाशी ही होता है कहा मुझे मौका मिले तो इसलिए मेरे भाई अपने आप को रोकने की कोशिश करनी चाहिए तो इसका पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आप ये आजम करें कि मैंने अपने आप को इस बुराई से हर कीमत पे दूर करना है ये मेरा एम है मेरा आजम है अगर आप इरादे में ही ढीले हैं तो भाई फिर मामला क्या हो जाएगा खराब हो जाए तो पहले तो क्या करना है पक्का अजम करना है अब दूसरा इलाज के तरीके दरियाफ्त करने आपने सबसे पहला काम यह करना है कि इंसान को जहाँ बुराई की आदत पड़ती है ना, वहाँ बुराई छूटती नहीं है आपकी कोई खास ऐसी जगह जहाँ आप सोने के लिए लेटते थे और वहाँ पर आप पे ये शहवत का जुनून चढ़ता था तो अपना ठीया ठिकाना वहाँ से क्या कर लो चेंज कर लो रात को सोने से पहले मुताला करके सो आप कोई अपने सिरहाने किताब रखी जाए जो, जो नौजवान खुदा न खास्ता कोई इसमें मुबला तो उसको बता रहा हूं मैं अपने सिरहाने क्या रखें कोई दिलचस्प किताब रखें बिस्तर पे जैसे ही लेटे जो मामूलात है ना आयतल कुर्सी पढ़ना दुआएं पढ़ना बिस्तर पे लेटने से पहले पढ़ लें वो ताकि आप जब बिस्तर पे जैसे ही जाए तो आपकी सोच जो है ना वो मुताले की तरफ चली जाए तो फौरन आपने क्या करना है जैसे ही सोने के लिए लेटे किताब आपके पास होनी चाहिए बिस्तर पे जाते ही आप उस किताब का मताला करना शुरू कर दें इंसान जैसे ही लेट के मुताल करता है उसको नींद आ जाती है आप सो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर नौजवानों के पर ये अटैक रात के टाइम ही होता है दूसरा काम हो गया तीसरा मसला ये हो गया कि आप किसी डॉक्टर को भी बताएं माहिर नफसियात को लेकिन माहिर नफसियात से कहें कि मुझे ये बुराई छुड़वानी है क्योंकि माहिर नफसियात बाफ़ा और डाल देते हैं इस बुराई में ऐसे नफसियाती डॉक्टर भी हैं वो कहते हैं इससे कोई नहीं डिप्रेशन का इलाज है और भाई सारी डिप्रेशन के और बहुत सारे इलाज है दुनिया में वो इलाज वक्ती है जैसे सुट्टा लगाने से ना वक्ती तौर तो पर ठीक हो जाता है तो अब ये बेवकूफी है ना कि सुट्टे लगा लगा के डिप्रेशन के इससे डिप्रेशन बढ़ती है कम नहीं होती वक्त कम होगी अगले दिन उससे बड़ा अटैक होगा आपके ऊपर सारा दिन फिर यही करता रहेगा ऐसे ऐसे लड़के आके बताते हैं कि आदमी हैरान होता है यार तुम्हारी हड्डियों में इतना जूस कहां से आया तुम मर के खत्म हो जाओगे अल्लाह के बंदो तो वो यही करते रहते हैं डिप्रेशन तो मारे नफ्सियात भी उल्लू बन सब कुछ सबको नहीं पता होता तो से मुझे ये बुराई छुड़वानी है, ऐसी तैसी। आप बाकी अफला कुछ तरीके होते हैं हो इंशाल्लाह आपको ऐसे तरीके बताएगा ऐसे टोटके बताएगा ऐसी तदबीरें बताएगा कि आहिस्ता आहिस्ता यह बुराई आपसे इंशाल्लाह छूट जाएगी और एक और काम दुआ भी मांगनी है किसी शेख से कायम करो उनको भी बताओ अपनी बीमारी और एक अहम तरीन बात यह कि अपने आप को ऐसे ना छोड़ो जब भी यह गुना आपसे हो आपने अपने ऊपर कोई सज़ा मुतयन करनी है दो रोजे तीन रोजे या एक रोज़ा या एक हफ्ते का रोज़ा ये सज़ा देनी है अपने आप वो हर आदमी का के हिसाब से मुख्तफ होती है सदक़ा भी करना है ताकि उसका फायदा ये होगा कि देखो ये एकदम नहीं छूटता गुना यह आहिस्ता आहिस्ता ही छूटेगा इसलिए मायूस नहीं होना कि इतने सारे टोटके इख्तियार किए फिर गुना हो गया तो फिर इन शैतान मायूस करता है भाई तेरे बस का काम नहीं है कोई बात नहीं यार ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की कभी वो दबा ले कभी तू दबा लें शैतान को हजरत मजूब ने फरमाया कि कभी शैतान तुझे पटख देगा नीचे कभी कभार तू भी तो शैतान को पटकेगा ना तो फटा चलता रहेगा क्या मत तक कोई मसला नहीं है तो क्या करना है जब भी ये गुना हो जाए दो रकत पढ़ के तोबा करनी है अल्लाह से माफी मांगना है और अपने आप को कोई सजा देनी है सदका के जरिए या रोजे सबसे बेहतर सजा रोजा है सदके से इतना फायदा नहीं होता रोजे से इसमें ज्यादा फायदा होता है तो रोजा रखे क्योंकि नफ्स को खुश किया है तो अपने नफ्स को जब तकलीफ देगा भूखा प्यासा रखे तो ये उसमें नफ्स को जो है ना आपके जो दिल है उसकी चाहतों को चित्रौल लगते हैं टाइट तरीके से रोजा रखने से तो अपने मन को खुश किया ना इसने हराम तरीके से तो रोजा रख के अपने मन ही को टेंशन देगा ये तो रोजा रखना बहुत जबरदस्त इसका एक इलाज है तो क्या करना है जब भी ये जुर्म हो जाए तो रोज़ा रख के उसकी तलाफी करनी है उसका फिर नहीं भी छूटता तो टेंशन नहीं लेनी आपने अपने कवाइफ पूरे कर दिए और आखिरी बात ये कि रोज़ाना एक्सरसाइज का मामूल बनाओ जब आप सुबह जॉगिंग करोगे शाम को जिम जाओगे तो फिर आप देखोगे डोले शोले निकल रहे हैं और जन आप ताकत आ रही है तो नफसियाती तौर पर इंसान फिर गैर अखलाक सरगर्मियों से दूर हो जाता है ख़ुद ब खुद कि यार मैं एक तरफ इतना अपनी बॉडी का ख्याल कर रहा हूँ उसी तरफ अपनी सेहत को बर्बाद कर रहा हूँ मैं है भाई अब मेरी सारी एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है वो तो नाजायज चीज़ों में हो रही है तो ये लाशुरी तौर पर जब इंसान मुफीद कामों की तरफ आता है तो नेगेटिव सोच उसकी खुद बखुद बोलते क्यों नहीं भाई कभी किसी हीरोइन ची को जिम जाते हुए देखा आपने नहीं। वो नहीं आता कहता है अब जाओ बॉडी की ऐसी की तैसी मज़ा तो आ रहा है ना छुट्टा लगा लेने तो जो जिम जाएगा वो हीरोइन नहीं पिएगा जो हीरोइन पिएगा वो जिम नहीं जाएगा तो इसी तरह जिम जाने वाले भी अक्सर इन बुराइयों से बच जाते हैं और इस बुराई से बचने का बहुत फ़ायदा है दुनिया में भी आखिरत में भी दुनियावी फायदे क्या हैं वो फिर कभी इस इनशाला किसी और वक्त बताएँगे उखरवी फायदे तो हैं ही बहरहाल लेकिन मैंने आपको बताया इसमें मायूस नहीं होना ये चीज़ें जल्दी नहीं छूटती एक चीज़ की लत अगर पड़ चुकी हो तो फिर टाइम लगता है चीज़ों को छूटने में लेकिन लड़ते रहना है जिंदगी भर हथियार डाल के बैठना नहीं है कि नहीं भाई अब तो डॉक्टर फला ने भी कह दिया तो फलाँ डॉक्टर ने भी एक लड़के को डॉक्टर ने खुद इस मरज़ में डाला है वो बचता था इन चीज़ों से डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने कहा कोई हर्ज नहीं इसमें कर लो कोई मेडिकली कोई नुकसान नहीं है मेडिकली भी नुकसान है हकीकत है ये कहना कि मेडिकली नुकसान नहीं गलत है और जहनी तौर पर तो बहुत नुकसान है देखो लूत लूतम की कौम जो बुराई करती थी उससे मेडिकली कोई नुकसान नहीं था लेकिन वह बेचारे निकाह के काबिल रहे नहीं वो कहने मालनाफी बनाती कमिन हकिन एलूत हमें औरत से निका में दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है तो ये कितना बड़ा नुकसान है कि नहीं है तो जो लोग लड़कों के आदि हो जाते हैं उनको औरत में दिलचस्पी ख़त्म अब मेडिकली तो सब कुछ सही है आयरन भी सही है और जनाब पोटाशियम मैग्नीशियम सब कुछ सही है तो बॉडी को तो कुछ भी नहीं हुआ खोबड़ी आउट हो गई तो ये जो हरकत है ना हैंड प्रैक्टिस इससे भी इंसान मेंटली क्या हो जाता है बहुत डिस्टर्ब होता है जिससे जो नेचुरल एक प्रोसेस कुदरत ने रखा है खुदा ने रखा है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है इस अमल से तो इसलिए अपने आप को इन तमाम एक्टिविटीज़ से बचा के रखना चाहिए और पागदामनी वाली ज़िंदगी वो यही है कि जल्द से जल्द मैं तो कहता हूँ लड़का बाले हो माँ बाप को चाहिए फौरन शादी कर दो उसकी इस तरफ उसको आने ही ना दो और इसके गलत होने की एक बड़ी दलील ये भी है कि जिस नौजवान ने दूसरों से ना सुनाओ या बर वक्त शादी हो गई हो वो कभी ये काम नहीं करता उसका कभी दिमाग जाएगा ही नहीं ये खुद इसकी अलामत है कि यह नेचुरल नहीं है यह तो अल्लाह तला सबकी हिफाजत फरमाए